रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज हम आपको पाकिस्तान के सियासी मैदान से एक सरगर्म खबर से आगाह कर रहे हैं। वफाकी हकूमत ने तहरीक लब्बैक के सरबराह खादिम हुसैन रिजवी समेत पार्टी के अहम रहनुमाओं पर बगावत और दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज कर दिए। वफाकी वजीर इत्तला'आत फवाद चौधरी ने बताया कि रियासत के अंदर तमाम इदारे कानून की लड़ी में परोए हुए हैं। कुछ शरपसंद अनासिर ने निज़ाम को तहबाला करने की कोशिश की है, जो एहतजाज कानून के दायरे से बाहर हो उस पर रियासत खामोश नहीं रह सकती। तहरीक लब्बैक ने पाकिस्तान के आइन को ललकारा है। बगावत केस में गिरफ्तार लोगों को उम्र कैद की सज़ा होगी। शहरियों की जान और माल की तरफ मैली आंख से देखने वालों से आइनी हाथों से निपटा जाएगा। तहरीक लब्बैक के रहनुमाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। फवाद चौधरी ने कहा कि खादिम हुसैन रिजवी के खिलाफ बगावत और दहशतगर्दी का मुकदमा थाना सिविल लाइन लाहौर दर्ज किया गया है। तहरीक लब्बैक के दूसरे अहम रहनुमा पीर अफजल हुसैन कादरी को गुजरात में बगावत और दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में चार्ज कर दिया गया है। इनायतुल हक शाह के खिलाफ थाना रावलपिंडी और हाफिज फारूकुल हसन के खिलाफ भी बगावत और दहशतगर्दी की FIR दर्ज कर ली गई हैं। उनका मजीद कहना था कि धरने में 5 करोड़ के नज़दीक सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचा है, जिसमें मुलविस अफराद को चार्ज किया जा रहा है। उन्हें उम्र कैद तक सजा हो सकती है। गिरफ्तार अफराद के केसेस इंसाने दहशतगर्दी की अदालतों में चलाए जाएंगे। एहतजाज के दौरान लूट मार के साथ गाड़ियां जलाई गई। जलाओ घिराओ अमलाक को नुकसान पहुँचाने में मुलविस तमाम अफराद पर मुख्तलिफ थानों में दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए जा रहे हैं। जो कारकुन ज़्यादा सरगर्म नहीं थे उन्हें भारी जमानत पर रिहा किया जाए और उनसे आइंदा किसी भी तखरीबी सरगर्मी में हिस्सा ना लेने के हलफनामे लिए जाएंगे। फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के उलमा ने कहा कि जो तहरीक लब्बैक ने किया वो आशिकान रसूल नहीं कर सकते। तहरीक लब्बैक की सियासत इंतहाई नामुनासिब थी। धरने के खिलाफ ऑपरेशन में रियासत के तमाम इदारे मुश्तरका तौर पर शरीक थे। अपोजिशन और मीडिया रियासत के साथ खड़े हुए हैं और उन्हें सपोर्ट किया। पंजाब से 2899, सिंध से 139 और इस्लामाबाद से 126 लोगों को हिफाजती तहवील में ले लिया गया है। अब देखना यह है कि बगावत के ये मुकदमात क्या वाकई कायम रहेंगे या फिर हवा में उड़ा दिए जाएंगे। अगर पाकिस्तान की तारीख पर नज़र दौड़ाई जाए तो आपको पता चलेगा कि इससे पहले कई शख्सियात पर बगावत के मुकदमात बन चुके हैं, जैसे हबीब जालिब, फैज़ अहमद फैज़, वली खान। वो मुकदमात बनाने वाले कहाँ हैं? जैसा कि जुल्फकार अली भुट्टू, जिन्होंने कई ऐसे मुकदमात बनाए मगर अब उनका कोई नाम और निशान नहीं है। मुशरफ के ज़माने में कई ऐसे मुकदमात बनाए गए। गवादर से लेकर खैबर तक आपको ऐसी बातें करने वाले कई मिलेंगे। खादिम हुसैन रिजवी, जो कि तहरीक लब्बैक के सरबराह हैं, उनके 26 लाख वोटर और कई मुरीद हैं। क्या हुकूमत पाकिस्तान अपने इस फैसले पर कायम रह सकेगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस हमारे मौजूदा नाज़रीन को काफ़ी पसंद आ रही होंगी। मज़ीद इस तरह की अच्छी और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिए।